विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। साय राज्य के चौथे मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साब और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और प्रदेश सह शामिल हुए। शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बता दें कि इससे पहले इस पद अजीत जोगी, रमन सिंह और भूपेश बघेल का इस पद पर रह चुके हैं। वो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो छठवें तौर के मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो वो चौथे मुख्यमंत्री है। वहीं टर्म के हिसाब से देखा सभा में सीएम बने हैं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। और बता दें कि शपथ ग्रहण पहुंचे हैं, यहां पर भी कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड अनिल पुष्कर जी हमारे साथ में जुड़ गए। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर साय ने शपथ ली है, लेकिन अब उनका जो कार्यकाल शुरू होने वाला है कितना हो रहे कितना सरल रहेगा, करेंगे कैसे, प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि जहां तक मेरा सवाल है कि लगभग लगभग छत्तीसगढ़ पर 82,000 करोड़ का कर्ज भी है, इस कर्ज से सरकार कैसे मुक्त होगी, जनता का कैसे कल्याण करेगी, छत्तीसगढ़ को कैसे आगे लेके जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कर्जा तो किस सरकार में निर्धार सरकार में है और उसको तो मीट आउट करना इस सरकार का इसके लिए चुनौती होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि कर्जा है इसलिए सरकार को दिक्कत होगी, ये तो कोई मतलब ऐसा लगता नहीं है कोई कहीं कोई दिक्कत होगी। सरकार के पास प्राथमिकता जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो इन्होंने जो बहनों के लिए एक योजना जाहिर घोषणा पत्र में जारी की थी, वो इनको देना है हर महिलाओं को। और किसानों के लिए भी जो है दो साल का बोनस देना है, वो भी एक दिक्कत है। तो चुनौतियां तो बहुत है, चुनौतियां नहीं है, सरकार बन गई है तो अब फिर आ गई है तो फिर गाड़ी चलते ही जाएगी, फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। बस एक बार शुरुआत होने की देर रहती है। और आज जो शपथ ली है उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ साथ विजय शर्मा ने भी जो शपथ ली है, वो एक प्रकार से देखा जाए तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए जातिगत समीकरण को अभी से उन्होंने साध लिया है और जातीय जनगणना का जो मुद्दा था उसको खत्म कर दिया है। आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, डिप्टी सीएम जो है ओबीसी क्लास के हैं जो यहाँ छत्तीसगढ़ में दूसरा बड़ा वर्ग है, फिर सामान्य से जो है ब्राह्मण जो है विजय शर्मा वो हिंदू कार्ड है। चल मैं यहाँ पर जो कवर्धा जहाँ से वो जीत कर आए हैं वहां पर सरकार के बहुत मोहम्मद
और वहाँ पर पूरा चुनाव जो है हिंदू हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हुआ, और बीच में एक बार सांप्रदायिक मामले में विजय शर्मा को 3 महीने करीब जो है जेल भी रहना पड़ा। तो ये एक प्रकार से जो है मंत्रिमंडल का जो गठन है, ये जो अभी जो फिलहाल जो 3 लोगों को शपथ दिलाई गई वो 24 को मद्देनजर रखते हुए है, और अब अस्तित्व में आ जाएगी। अब फिर देख कैसा चुनौती होती, चुनौतियां तो है इसमें कोई शक नहीं, आपका कहना सही है कि कर्ज तो है, सरकार के पास कर्ज भी है, वो कर्ज चुकाना है, उसके अलावा अभी इनको और कर्ज लेना पड़ेगा। जी मनीष जी बिल्कुल सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दरमियान जब प्रचार प्रसार चरम पर था तो नारा दिया गया कि अब ना सही वो बदल के रही वो, ये नारे के साथ में बीजेपी ने प्रचार प्रसार किया, घोषणा पत्र जारी किया, तमाम प्रकार की बातें उसमें कही गई, लेकिन उन बातों को साकार करने के लिए सरकार को कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इस कंडीशन में सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि सामंजस्य बिठाना पड़ेगा अपने कैबिनेट के साथ में, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा अपने और जो अन्य विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, पक्ष के विधायक हैं, सभी के साथ में सामंजस्य बिठा करके जनता का कल्याण उनको करना पड़ेगा। लेकिन अब ना सही वो बदल के रही वो, ये नारा कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए बदलाव तो आया है, अब इसको आप अगर अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो फिर कब मानेंगे? देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल को जिस तरह से चुनौती दी थी भाजपा ने और सरकार बना ली अपनी, ये तो बदलाव के संकेत ही हैं। तो बदलाव तो है, अब उसको बदलाव को जमीन पर लाकर दिखाना ये बड़ी चुनौती भाजपा के सामने। मेरा सवाल भी सर उसी से जुड़ा हुआ था कि जमीन पर कितना बदलाव देखने को मिलेगा, चूंकि सरकार बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन अब जमीन पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जमीन पर बदलाव तो होंगे ही, देखिए आए हैं तो अपनी योजनाओं को घोषणाओं को तो लागू करेंगे मनीष, दिक्कत तो होगी इनको थोड़ी, लेकिन फिर भी आखिर में आपने जब इतने बड़े बड़े वादे किए हैं फिर इनको केंद्र से मदद मिलनी है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे दिखती नहीं है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि सारे लोगों को जो है अब साधना तो पड़ेगा ही नहीं, बिना साधे तो कर सकते काम, और आपको जब आज जब आपसे उम्मीदें ज्यादा हो तो फिर आपके सामने चुनौतियां ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बदलाव की जब बात की थी तो भाजपा के जो वादे तो हैं, वादे बड़े बड़े हैं, तो आपको बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं, जितना बड़ा वादा है उतनी बड़ी चुनौती है, तो ये तो अब देखने वाली बात होगी और देखना पड़ेगा कितना कैसे चुनौती से मीट आउट करती है भाजपा। इतनी जल्दी ये तो नहीं कह सकते कि भाजपा पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन ये हाँ ये बात जरूर है कि अगर आपने बदलाव की बात की है तो बदलाव आपको करके दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, जनता ने तो बदलाव कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है, अब सरकार की बारी है कि अब जनता के हालात में परिवर्तन करे, उनका कल्याण करे, उनकी समस्याओं को जाने और उनको वो योजनाओं से लाभान्वित करे जिनसे वो या जो भी समस्या है, तो ये बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के सामने, क्योंकि अब नई नवेली सरकार है, सामंजस्य बिठाना है, सभी के को लेकर साथ में चलना है, ये एक बड़ी बात है सर। ये देखिए अब आपको चलता रहेगा, ये आप ये नहीं कह सकते कि दिक्कत है और ये है करके, क्योंकि आपने जब वादा किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब नई नवेली सरकार तो रहेगी ही, क्योंकि जब तो सरकार तो नहीं रहेगी ही, तो इसलिए बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं हो सकती, लेकिन अब देखना है क्या कैसे करते हैं, क्या करते हैं। प्रशासनिक अनुभव के नाम में भी जो है विष्णुदेव साय ऐसा है कि एकदम नए नहीं है, 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब फिर अभी तो सबसे पहले इनको प्रशासनिक फेरबदल करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो खास अफसर है उनको हटाना पड़ेगा, तो अब ये सब चलता रहेगा। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ लाई है। इसके अलावा अरुण साहब और विजय शर्मा ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है।